आज का जो टॉपिक है फ्रंट ऑफिस की टर्म्स के बारे में, और ये कमेंट आया हुआ था शीतल नागपुरी। शीतल जी लिखती है, सर क्या आप एफओ का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स बता सकते हो क्या एंड ग्लोसरी टर्म्स। आप जो लिखी है सेकंड कमेंट में, सर प्लीज़ एफओ के फॉर्मूला भी बताइए। एफओ के फॉर्मूला के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा टॉपिक है होटल से रिलेटेड या कुछ और करियर से रिलेटेड, प्लीज़ लिख के बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाने की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे बहुत सारे की टर्म्स है फ्रंट ऑफिस से रिलेटेड, हमने लिख के रखा है ताकि कुछ मिस ना हो जाए। नंबर वन, रैक रेट। मतलब होता क्या है कि एक पब्लिश टैरिफ होता है, किसी भी होटल में जाएंगे तो आपको टैरिफ कार्ड दिखाया जाएगा या तो बताया जाएगा कि हाँ हमारे होटल में या हमारे लॉज में ये हमारा रूम रेट है, तो उससे ज़्यादा वो लोग सेल नहीं कर सकते। ब्लैकआउट डे की बात अलग है, ब्लैकआउट डे के बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो होता क्या है कि हम एक रेट डाल कर रखा है, एक फिक्स्ड रेट है, उससे ज़्यादा हम सेल नहीं कर सकते। रैक रेट के ऊपर हम डिस्काउंट दे सकते हैं। कोई अगर गेस्ट आते हैं या कॉरपोरेट गेस्ट, तो अगर लगता है कि फ्रंट ऑफिस को या मैनेजमेंट को हाँ इस गेस्ट को डिस्काउंट देना चाहिए, तो रैक रेट के ऊपर डिस्काउंट देंगे 10% 15% जो भी डिस्काउंट हो। नंबर टू, स्कीपर। स्कीपर के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना कर रखा है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। स्कीपर होता क्या है, एक ऐसा गेस्ट जो चाह के इंटेंशनली वॉन्टेडली गेस्ट बिना पेमेंट किए चले जाते हैं होटल छोड़कर, उसे कहते हैं स्कीपर। नंबर थ्री, वॉक इन गेस्ट उसे कहते हैं, एक ऐसा गेस्ट जिसके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, बिना रिजर्वेशन बिना बुकिंग का होटल में जाते हैं रूम लेने के लिए, उसे कहते हैं वॉक इन। अगला है ड्यू आउट रूम उसे कहते हैं, एक ऐसा रूम व्हिच इज़ एक्सपेक्टेड टू चेकआउट नाउ। मान लीजिए अभी ऑक्यूपाइड है रूम लेकिन चेकआउट करने वाले हैं, तो उस रूम को कहा जाएगा ड्यू आउट रूम। अब हम बात करेंगे क्रेडिट लिमिट और हाउस लिमिट, दोनों एक ही है। इसका मतलब ये होता है, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक ऐसा गेस्ट आपके होटल में स्टे कर रहे हैं और उनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो गया है 40,000, लेकिन आपके होटल में मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्शन है कि जब भी 30,000 एक्सीड करता है अमाउंट तो गेस्ट से पैसा लेने का, तो उसे कहा जाएगा क्रेडिट लिमिट और हाउस लिमिट। मतलब जब भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट एक किसी भी रूम का जब 30,000 या 40,000 हो जाता है या उससे भी ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन होटल टू होटल, तो उस अमाउंट को कहा जाएगा हाउस लिमिट। आप ये हो सकता है 20,000 भी हो सकता है, 40,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है। समझ गए ना, कुछ अगर कन्फ्यूजन रहता है प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, हम रिप्लाई करेंगे कमेंट में आपका। अब हम बात करेंगे अपसेलिंग का। अपसेलिंग उसे कहते हैं जो रिसेप्शन में जॉब करते हैं उनको पता रहता है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। उदाहरण के तौर पर एक गेस्ट आते हैं और चेक इन करने के लिए उनके पास बुकिंग है स्टैंडर्ड रूम का। अब क्या करना है आपको, स्टैंडर्ड रूम का बुकिंग है ना, आपको हायर कैटेगरी रूम देना है लेकिन एट एडिशनल कॉस्ट। आपको गेस्ट को कन्विंस करना है, बताना है सर हमारे पास हायर कैटेगरी रूम भी अवेलेबल है, अगर आप इतना रुपया एडिशनल पेमेंट करते हैं तो आपको ये फैसिलिटी मिलने वाली है, कुछ उनको बताइए। जब आप होटल के पास, उदाहरण को मान लीजिए कि अगर आप कुछ भी नहीं बोलते हैं, जो गेस्ट का बुकिंग है अगर वही लेते हैं, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 5,000 रुपया आता है, लेकिन आपके कहने के ऊपर आपने गेस्ट को कन्विंस किया तो अमाउंट आ गया मान लीजिए 6,000 रुपया, तो 1,000 ज़्यादा हो रहा है, तो इस 1,000 को बोला जाएगा अपसेलिंग। और ये हुआ किसके वजह से, आपके वजह से, क्योंकि आपने गेस्ट को कन्विंस किया, आपने इन्फॉर्मेशन पास किया। तो ये इंटरेक्शन करना रिसेप्शनिस्ट का फ़र्ज़ होता है, जब भी आप रिसेप्शन में रहते हैं जॉब करते हैं तो कोशिश कीजिए अपसेलिंग करने की, और गेस्ट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट कीजिए, इंटरेक्शन कीजिए और अपने होटल के बारे में बताइए। अब होता क्या है कि बहुत सारे गेस्ट को इच्छा तो रहता है अच्छा रूम लेने का, लेकिन उनको पता नहीं रहता है, लेकिन जब भी आप बोलेंगे सर आप देख रहे हैं कि हनीमून कपल है, उस गेस्ट को बोलिए सर हमारे पास अच्छा रूम है ऐसा वैसा, आपको अच्छा लगेगा, एक स्टे करके देख सकते हैं, इसमें हम आपको थोड़ा डिस्काउंट भी कर देंगे, वैसे हम इतना में बेचते हैं लेकिन आपके लिए आप पहली बार आए हैं तो हम आपको डिस्काउंट करके कर देंगे। कुछ भी आप बता के उनको अपसेल कर दीजिए रूम को, जो भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है कंपनी को उसे कहा जाएगा अपसेलिंग। अब हम बात करेंगे ब्लॉकिंग क्या होता है। ब्लॉकिंग उसे कहते हैं जब भी आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए फ्रंट ऑफिस मैनेजर आपको बोलते हैं उस कंपनी से 4-5 गेस्ट आने वाले हैं, 3-4 रूम ब्लॉक करके रख दो। आप क्या करेंगे, आउट ऑफ सर्विस हो या आप रूम बुकिंग हो, आप रूम को ब्लॉक करके रख दिया ताकि ये रूम उनके लिए फिक्स्ड रहे, रिजर्व रहे। अब हम बात करेंगे कन्फर्मेशन नंबर। कन्फर्मेशन नंबर उसे कहते हैं बुकिंग कन्फर्म हो जाने के बाद एक कन्फर्मेशन नंबर होके आता है, PMS में जब बुकिंग करेंगे एक कन्फर्मेशन नंबर आता है, उसे ही कहते हैं कन्फर्मेशन नंबर। कोई गेस्ट मांग सकते हैं कि मुझे कन्फर्मेशन नंबर दे दो, हमारा बुकिंग बना के रखा है, तो आप उनको नंबर दे सकते हैं कि सर आपका कन्फर्मेशन नंबर ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करेंगे टेंटेटिव बुकिंग। टेंटेटिव बुकिंग उसे कहते हैं जब कोई बुकिंग कन्फर्म नहीं रहता है ग्रुप की तरफ से या गेस्ट की तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से, सिंपली ब्लॉक करके रख दिया है
शायद गेस्ट आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, तो उस केस में हम कंसिडर करेंगे इस बुकिंग को टेंटेटिव बुकिंग। आपको फॉलोअप करते रहना है, बुकिंग कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, फाइनल कंफर्मेशन दिया है कि नहीं दिया है, कि चेक इन करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस बीच को जो बुकिंग बनी हुई है इसे हम कहेंगे टेंटेटिव बुकिंग, ठीक है, बाद में कैंसिल भी हो सकता है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक था बड़ा बेसिक लेवल का था ये, लेकिन आने वाले वीडियोस में हम देखने वाले हैं थोड़ा हायर लेवल में जाएंगे, नेक्स्ट लेवल में, जिससे आपका हो गया गेस्ट फोलियो, कट ऑफ डेट्स, गेस्ट साइकिल, नो पोस्ट, GDS, IDS, PMS, POS, APR, ADR इत्यादि हम चर्चा करने वाले हैं। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ताकि हमें उत्साह बढ़े और आपके लिए इस प्रकार की वीडियो हम लाते रहें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।